कस्तो लागिरहेको छ अनि एडभेन्चर गरेर तपाईँलाई कतिको एक्साइटेड हुन्छ भने यो बाटो जानुहुन्छ कि यहाँका अपलोडिङ गर्दै 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 यहाँदेखि व्हील कभरका हालत अन्धेरा होने से पहले निकल जाना पड़ेगा गाइस क्योंकि रास्ता इतना डेंजर है गाइस फट के हाथ में आ पड़ी है ये रास्ते में कौन राइड करता है यार गाइस बाकी यहाँ पे बैठते बैठते मेरे को आधा घंटा हो गया आधा घंटा से लगभग यहाँ पे बैठा हुआ हूँ पर एक भी बाइक गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरा और हवा इतना तेज चल रहा है छिन छिन में एक ही बार आ रहा है घुमा के हवा ऐसे 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 घुमा के ले जा रहा है यहाँ बैठे 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 अभी अभी जाके बादल साफ हुआ है तो हिमाल देख सकते हैं बाकी कितना कड़क दिख रहा है गाइस बाकी ये बर्फीले पहाड़ों में जब जाऊँगा तब भी मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून आएगा गाइस चलिए बाकी देर ना करते हुए निकलते हैं लाम पर तो सब ये बाटो लाम से वो माथि बस्ने तो सब डरा गाइज उधर से जाने वाला रास्ता ये है और शॉर्टकट ये है तो शॉर्टकट हम लोग ले रहे हैं और बाकी देखते हैं शॉर्टकट में क्या हालत होता है उतना ऑफ रोड चल ही दिए हैं तो हल्का थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा के चल दे पर जल्दी से पहुंच जाए भाई गाइज यहाँ पे शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे रास्ते में आ गए कि यहाँ से क्रॉस फायर नहीं निकल पा रहा है तो ये बाइक कैसे निकलेगा गाइज और GoPro का बैटरी भी ऑफ हो गया है तो सो मोबाइल से ही दिखाते हैं आप लोगों को क्या होता है निकलता है कि नहीं निकलता है तो गाइस फाइनली वहाँ नीचे से सीधा ऊपर बाइक भाई लाना पॉसिबल नहीं था और वो भी ये बाइक भी फंस गया था पर ये तो निकल गया ये तो बनाई है ऑफ रोड के लिए बाकी बहुत गाँड फटा भाई कस्तो लागि रहेछ अनि एडभेन्चर गरेर तपाईँको लागि त डेली नै होइन तपाईँलाई कतिको एक्साइटेड हुन्छ भने यो बाटो हो तर सही सही रमाइलो भयो त्यो बाटो कतिको छिटो कटियो हामी लगभग 20-25 मिनट त छिटो कटियो होला गाइस बाकी वो रास्ता देख रहे हैं वो रास्ता वैसे पहाड़ में घूम के ऐसे होके ऐसे आता है हम लोग वहाँ से वो रास्ता आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ से नीचे होते 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 इधर का रास्ता पूरा यहाँ से आए हैं भाई बाकी यहाँ का ऑफ रोडिंग करते 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 ये देखिए व्हील कवर का हालत अब ये निकाल के ही फेंकना पड़ेगा इधर से ये बचा हुआ है उधर साइड का टूट गया पर ये कोई काम का नहीं है बाकी चलिए निकलते हैं गाइस बहुत ज़्यादा थकानी हो गया टाइम से पहुँचना पड़ेगा मैं यहाँ पे रुका हुआ था वो ब्रदर मेरे साथ आ रहे थे ना उन्हीं के साथ में और यहाँ पे पेट्रोल भी मैंने पूरा फुल करा लिया क्योंकि आगे महंगा मिलेगा बोल के सुन रहा हूँ तो
तो यहाँ पे पेट्रोल भी पूरा देख रहे हैं काटा, पूरा फुल करा लिया और इधर एवरेज भी घट गया है इधर का पेट्रोल से। और यहीं पे मैंने गोप्रो भी चार्ज कर लिया कुछ देर बैठ के, और नाश्ता भी कर लिया, खाना नहीं खाया के निकला था। तो चलते हैं। बाकी गाइस फिर से अपने अंदाज में यहाँ से 45 मिनट एक घंटा जितना लगेगा, और मेरे को तो एक घंटा ही लगेगा क्योंकि उस टाइम में था तो साथ साथ में आ रहा था, तो आ गया जल्दी ही आ गया। और वो ब्रदर यहीं का घर है उनका, और यहाँ से मैं सोलो अगाड़ी की तरफ, पर मिल के अच्छा लगा गाइस क्योंकि वीडियो कंटेंट भाई मैं अकेले रहता तो खींच नहीं पाता। बाकी वो ब्रदर थे कि हल्का रास्ता भी शॉर्ट हो गया और इतना टाइम रेस्ट करके बैटरी भी चार्ज कर लिए। बाकी मैं मोबाइल चार्ज करके ना करके तो कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि साला इधर नेटवर्क ही नहीं है। और इधर देख सकते हैं ऐसा ऐसा बहुत सारा आ रहा है। ओ हो हो पर अंधेरा होने से पहले निकल जाना पड़ेगा गाइस क्योंकि रास्ता इतना डेंजर है, ये रास्ता में अंधेरे में तो राइड करना लगभग नामुमकिन ही है। मैं यहाँ पे आ गया ऐसे जगह पे कि यहाँ पे रास्ता दो तीन रास्ता है गाइस, अब जाना किधर है ये पता नहीं। लो लो उधर खोला के तरफ से जाएगा, इधर ऊपर ऊपर से जाएगा। अरे बहन के चलो कम से कम बनाया तो हुआ है, नहीं तो उधर से आना पड़ेगा। पानी पानी इधर से ही होगा क्योंकि उधर रास्ता डाइवर्शन चल रहा है। ओ माय गॉड कुछ ज्यादा ही पानी भरा हुआ है। अब इधर से बाइक को एक तो गया है लोक रहा है, तो हम भी इधर से ही चले जाते हैं। अरे बहने के ओ हो जूता में मिट्टी चला गया। गाइस फट के हाथ में आ पड़ी है भाई, जितना आगे बढ़ते जाओ उतना रास्ता रिक्सी होते जा रहा है। ये देख रहे हैं भाई साहब ये रास्ते में कौन राइड करता है यार। ओ माय गॉड गाइस इसमें थोड़ा सा भी मिस हुआ बैलेंस तो सीधा चक्का स्लिप आ जाएगा। ऐसे 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 भाई साहब नॉनस्टॉप 5-7 घंटा यार ऑफ रोड का ट्रैवलिंग करना कोई बच्चे का खेल थोड़ी ना है। बाकी मुस्तांग आए और ऑफ रोडिंग ना हो ये तो भाई कोई बात ही नहीं हुआ। बाइक फंस गया। ओ हो ओ आराम से छमिया आराम से। उधर से तो जो भी कहो हल्का ठीक रास्ता है क्योंकि ये पूरा नरम नरम रास्ता है, और उसमें तो बहुत ज़्यादा गिट्टी पत्थर भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया था, हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है गाइज। ये है गाइज लमनथान मुस्तांग, और इधर आसपास का एरिया देखिए। ओहो क्या ही मस्त एक नंबर।
तो यहाँ से अब चलते हैं नीचे, बाकी तीन रास्ता गया हुआ है, एक उधर से, एक उधर से और एक उधर से, और ये बीच का है। तो बाकी चलते हैं, पहले सबसे पहले मोबाइल भी चार्ज नहीं है और गोप्रो भी अब ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, गोप्रो तो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा पर स्टोरेज नहीं है।